जनवरी आज अपन कहीं जाने की सोच रहे हैं। कूनो सेंचुरी चल रहे हैं अपन, वहाँ पे क्या है, मुझे जंगल वंगल घूमना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कूनो सेंचुरी चल रहे हैं, वहाँ पे अपन आज थोड़ा सा मस्ती करेंगे। 2 से 3 दिन रुकने वाले हैं वहाँ पे, कुछ प्रोग्राम बनाया है, दिखाते हैं, है ना। वेरी गुड मॉर्निंग, ये 11:30 बजे, सॉरी टू लेट, मैं बहुत लेट उठा हूँ आज। लेकिन आज हम कहीं जाने वाले हैं, तो उसके लिए मैं पैकिंग वगैरह कर लेता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अपन सारे क्रियाकर्म बात करेंगे, जो भी होते हैं ना दैनिक कार्य, बाद में करेंगे, लेकिन पहले अपन पैकिंग की जुगाड़ करते हैं। मैं अपने साथ ये शूज़ कैरी करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत गंदे पड़े हैं, तो कीचड़ वीचड़ भी होगा, जंगल है, तो जंगल में चलने के लिए कीचड़ वीचड़ है, तो ठीक है, ये सही है। एंड कांटे वांटे की वजह से अपन ये बूट कैरी कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लोथिंग है, ये अपन अभी कुछ टाइम बाद पहनने वाले हैं। ये विंसिटर इसलिए लिया है, ये रेनी विंसिटर है, क्योंकि वहाँ बारिश बारिश होती रहती है बिना बताई। एंड ये कुरियन वियर उठाया है अपन ने, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है एंड 100% कॉटन है। जोगर्स है। सुबह से तैयारी करते करते अभी शाम के 6 बजे हैं, और अभी निकल रहे हैं, सभी तैयारी वैयारी सब हो चुकी है। अभी शाम के 6 बज गए हैं, और अब चलने को जैसे तैसे जुगाड़ बनी है, क्योंकि मैं लेट ही उठा था ना यार, वैसे भी चलो अभी अपन चलते हैं, देखते हैं कितनी रात है। अगर रात नहीं होती है तो अपन शूट करेंगे, नहीं कोई बात ही नहीं। चलो जर्नी स्टार्ट करते हैं अभी, है ना। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो रहा है, ये देखिए। चलते चलते रात हो गई है, रास्ता अभी भी बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी जगह है तो सब्र का फल मीठा होता है ऑफिशियली। अब पालपुर में एंटर कर चुके हैं अपन, कूनो पालपुर में। ये अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें, है ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये लकड़बग्गा है, ये कहाँ गया, गया गायब। ये भयानक आवाज आ रही है इसकी, ये ऊपर से पता नहीं कौन गाली गलौज कर रहा है हमसे, भेड़िए गाली दे रहे हैं आई थिंक। ये सबसे पुराना पुल है इस जगह का, ये कूनो नदी का पुल है, ये कूनो नदी के पुल के अंदर से ये वाली है, ये राउंड राउंड सा, इसके अंदर नहर है, और ये नीचे नीचे नदी बह रही है। यार ये पोंपों पोंपों बंद करो, आगे कोई है शायद। ये कहा था मैंने, बाबूजी घूम रहे हैं भाई साहब, ये मेरी तो फट गई, सारे घर वाले चुप क्यों हो गए। ऐसे नहीं खाएगा, चले जाओ ताऊ, आगे निकल जाओ भाई साहब। देखो मेरी क्या है कि बहुत ज़्यादा फट चुकी है, तो ये काल भरी रात लग रही है मुझे, मैं नहीं जाने वाला अब आगे कहीं भी। अभी क्या है कि रात हो रही है, तो अपन सेंचुरी अभी नहीं घूमेंगे, सुबह घूमेंगे। सो फाइनली अभी रुकेंगे अपन गांव में, एक गांव है यहीं आसपास, मैं वो दिखाता हूँ। चलिए उस जगह आ चुके हैं जहाँ हमें रुकना है आज रात, मेरे को यहीं पे रुकना है, तो मैं वो जगह दिखाऊंगा तुम्हें बारी बारी से, ठीक है। गांव है, रात में ठीक से देख नहीं रहा, लेकिन मैं दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये मेरे दद्दू के हवेली है। बहुत सालों में हम में से कोई नहीं आया यहाँ, सिर्फ दद्दू आए हैं, वो भी 15 दिन पहले। ये क्या हालत हो रही है इसकी। चलो चलो, ये छत पर जाने के लिए रास्ता है। साथ। ये मेरी अपने ही घर में फट रही है भाई साहब। अब ये ऊपर भी एक और मंजिल है। अरे छोटे मोटे आदमी नहीं है अपन, बड़े लोग हैं। ये लो, यहाँ सोने वाला हूँ मैं, ये सोने की जगह है मेरी। ये अभी मैं ये छत पे हूँ, सोने की तैयारी में हूँ, यहाँ सोऊंगा। ये मैंने देखो चोटी बोटी भी कर ली, मैं क्या बताऊँ यार, कूलर एसी पंखे सारे की सारी चीज़ ख़त्म है यहाँ के। इतना अच्छा मौसम है, कुछ कह नहीं सकता मैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी फील हो रहा है मुझे। देखो एक पार्ट तो हो गया यहाँ पे ख़त्म, लेकिन लेकिन लेकिन
नेक्स्ट पार्ट अभी और है, सो प्लीज़ इसको शेयर करो फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है।